Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now we are taking the second topic of this chapter, biological classification, that is मोनेरा. ठीक है, एकदम डिटेल में इसका स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डीप हम इसे देखेंगे ताकि एक एक पॉइंट हमें ईजिली अच्छे से क्लियर हो. तो सबसे पहले तो मोनेरास जो है उसको बेसिकली अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं. As we have talked about in this classification in our previous class, R.H. Whittaker ने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस अर्थ पे. पहला उसमें से जो किंगडम है दैट इज मोनेरा. ठीक है, अब बैक्टीरिया की बात करनी है तो बैक्टीरिया के बारे में बात करने पे पहले उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं. बिकॉज क्या है, जो ये मोनेराज है अगर इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो ये क्या है, ये हर जगह पाए जाते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर. ओके, इवन दे आर ऑल्सो फाउंड इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन. एक्सट्रीम कंडीशन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है या कहीं बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंडीशन है तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव करते हैं, मिलते हैं, क्योंकि अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं ये उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, इसके अलावा और क्या, बैक्टीरिया ये दोनों कैटेगरी में होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक ओके एज वेल एज दे आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफिक. इसको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ. ऑटोट्रॉफिक में दोनों कंडीशन है, दैट इज़ वन कीमो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स. ओके, कीमो क्या मतलब समझते हो, देखो ऑटोट्रॉफ्स यानी खुद अपना खाना बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये तो हमें पता है कि वो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे. बट अब किससे बना रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कीमो है या फोटो है. अगर इनका एनर्जी सोर्स, देखो ग्लूकोज बनाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए यानी कि क्या, ATP चाहिए. अगर उनको ATP किससे मिल रहा है, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, सम ऑर्गेनिक भी है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि क्या, लाइक नाइट्रेट, ओके नाइट्राइट, और यू कैन से अमोनिया. ओके, तो अगर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एनर्जी लेके फिर ग्लूकोज बना रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. मतलब क्या, केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी से बना रहे हैं. और अगर ये सनलाइट, अगर क्या कर रहे हैं, सनलाइट लेके और फिर ग्लूकोज बना रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स. क्लियर है बेसिक डिफरेंस. ना हेट्रो में मैंने बताई थी दो कैटेगरी क्या है, वन इज दी सेप्रोफाइट्स एंड अनदर इज कॉल्ड दी पैरासाइट्स. ओके, सेप्रोफाइट्स मतलब क्या, जो डेड डिके मैटर पे सर्वाइव करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. इनको एक दूसरी कैटेगरी भी बोला जाता है, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि डेड डिके को अगर कोई डिग्रेड नहीं करेगा तो इस अर्थ पे तो डेड चीज़ों की इतनी भरमार हो जाएगी कि वो ही एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर फूड चेन और इन आर फूड साइकिल. ओके, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी लाइफ पर डिपेंड करते हैं, मतलब एक लाइव ऑर्गेनिज्म है, इससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, उसको कोई ना कोई डैमेज भी कॉज करते हैं, कोई डिजीज़ कॉज कर दिया, कुछ ना कुछ डैमेज कॉज कर दिया. ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल हमने बात करी कि बैक्टीरिया के बारे में. नाउ अब हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में. क्या, बैक्टीरिया बेसिकली क्लासीफाई इंटू फोर कैटेगरीज. ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज है, वन इज कॉल्ड दी आर्की बैक्टीरिया. ओके, अनदर इज कॉल्ड दी यू बैक्टीरिया, देन थर्ड वन इज कॉल्ड दी साइनो बैक्टीरिया. ओके, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड दी माइकोप्लाज्मा. तो अब वन बाय वन हम इन सारी कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हर कैटेगरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो पहला हमने लिया आर्किबैक्टीरिया. नाउ क्या है, ये एक्चुअली आज की डेट में हमें नहीं मिलते हैं, ये बहुत पहले अर्थ पे पाए जाते थे. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल्स. क्या बोलते हैं इनको, लिविंग फॉसिल्स. ओके, आर्किबैक्टीरिया इसकी एक खासियत क्या है कि ये जनरली जो एक्सट्रीम कंडीशन है, जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ पे ये मिलते हैं और वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं. ओके, एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि क्या क्या हो सकती है, जैसे कि एक नाम दिया जाता है इनको हेलोफाइल्स. मतलब क्या, ऐसे बैक्टीरियाज जो हाई सॉल्ट एरिया में रह सकते हैं, हाई सॉल्ट एरियाज में दे आर एबल टू सर्वाइव, दोज आर कॉल्ड हेलोफाइल्स. डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ जाता है हेलोफाइल्स क्या मतलब समझते हो. ठीक है, दूसरा कंडीशन आ जाती है दैट इज थर्मो एसिडोफिल्स. थर्मो
एसिडोफिल्स, ओके, मतलब क्या, ऐसे बैक्टीरिया और यू कैन से आर्की बैक्टीरिया, दोज कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, जितनी भी हॉट स्प्रिंग्स होती हैं वहाँ पे अगर ये सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफिल्स। और एक और कैटेगरी होती है, दैट इज कॉल्ड दी मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स, ठीक है, कहाँ मिलते हैं, जो कैटल होते हैं उनकी रुमिनेंट गट में मिलते हैं, ठीक है, रुमिनेंट गट यानी कि किसकी, कैटल्स की गट में मिलते हैं, और बेसिकली और कहाँ मिलते हैं, जहाँ मार्शी एरिया होता है, ठीक है, जो मार्शी एरिया होता है, दलदल होता है, वहाँ पे ये मिलते हैं। इसका काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मार्श गैस, ठीक है, कौन सी गैस, मार्श गैस, जिसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिथेनोजन्स, क्या बोलते हैं, मिथेनोजन्स, ठीक है, मिथेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथेन, ओके, ये मिथेन जो गैस है, इसी को ही जब कैटल है वो, मतलब लाइक जब उनका काउ डंग बनता है, उस डंग में ये मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मिथेन सिक्रेट करते रहते हैं, इसलिए कैटल यूटिलाइज भी होती है किसके लिए, गोबर गैस बनाने के लिए, गोबर गैस, ठीक है, गोबर गैस बेसिकली क्या होती है, योर मिथेन गैस, ओके, एज अ फ्यूल उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तीन कैटेगरीज हो गई, बट क्वेश्चन अब ये आता है कि ऐसे इन्हीं में क्या खासियत है कि जिसकी वजह से दे आर एबल टू सर्वाइव एट दिस सच हाई टेम्परेचर, ऐसा क्यों होता है, सी इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनके ऊपर सेल वॉल, बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, ये सेल वॉल इसमें कुछ स्पेशलाइज होती है, जनरली एज वी नो बैक्टीरिया की सेल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की होती है, नॉन सेलुलोसिक होती है, सेलुलोस एब्सेंट होता है और पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है, बट इसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन एज वेल एज सेलुलोस दोनों ही एब्सेंट होता है, ये दोनों में से किसी चीज़ की नहीं बनी होती है, सिर्फ ये किसकी बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एज वेल एज सम प्रोटीन्स, ओके, इनके वजह से ही इसकी सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं या मेंटेन या सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मिथिनोजन्स में देखें तो उसमें भी एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो म्यूरिन, ठीक है, ओके, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, स्यूडो म्यूरिन मिथिनोजन्स में प्रेजेंट होता है, क्लियर है आर्की बैक्टीरिया। चले आगे, अब बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया की, जिसमें एक्चुअल में हम बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। नाउ यू बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं हमेशा बताती हूँ कि यू का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू, तो ये बैक्टीरिया एक्चुअल में ट्रू बैक्टीरिया है। तो वन बाय वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया कहाँ, सब जगह मिलते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है, ये कॉलोनीज में भी मिलते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन कॉलोनीज। अगर सबसे पहले अगर एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊँ, दिस इज द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट से अगर स्टार्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, ओके, तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इट इज़ नॉन सेलुलोसिक, सेलुलोसिक, ओके, यानी सेलुलोस की नहीं बनी होती है, इसके अलावा किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, ओके, ये पेप्टिडोग्लाइकेन के कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, मतलब कि उसमें कितना लिपिड कंटेंट है, क्या बोल रही हूँ मैं, कितना लिपिड कंटेंट है उसके बेसिस पे दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, कौन, बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है, थोड़ा सा इसका डिटेल बता देती हूँ, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को जब स्टेन किया तो उन्हें दो तरह के अलग अलग बैक्टीरिया मिले, उसके स्टेनिंग के बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब इसकी स्टेनिंग की जाती है, क्या किया जाता है, बेसिकली क्रिस्टल वॉयलेट से इसको स्टेन किया जाता है, तो सारे बैक्टीरिया ब्लू कलर के हो जाते हैं, उसके बाद उसको इथेनॉल के साथ वॉश किया जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया में वो ब्लू कलर वॉश ऑफ हो जाता है और वो कलरलेस हो जाते हैं। फिर अगर हम उसको सेफ्रेलिन से जब वापस स्टेन करते हैं तो वो वाले जो कलरलेस हो गए वो बैक्टीरिया पिंक कलर में हो जाते हैं। तो मतलब कि कुछ बैक्टीरिया हमें ब्लू कलर के दिखते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमें पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव हमें दिखते हैं ब्लू एंड ग्राम नेगेटिव हमें दिखते हैं
पिंक, ओके, इट्स बेस्ड ऑन देयर लिपिड कंटेंट. ग्राम पॉजिट में लिपिड कंटेंट कम होता है, लेस होता है, और इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ही ये क्या करता है, पिंक कलर लेता है, ब्लू कलर को ज़्यादा देर तक नहीं रोक के पाता. ठीक है, तो दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसके नीचे क्या होती है, ये होती है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, अब यहाँ तक तो समझ में आया, बट अगर हम जब इसके सेल ऑनवलप की बात करते हैं, मतलब आउटर कवरिंग की बात करते हैं, तो एक और स्ट्रक्चर भी हम इसमें काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ग्लाइकोकैलिक्स. क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, तो ये सेल वॉल के भी बाहर की तरफ होती है ग्लाइकोकैलिक्स. ये ग्लाइकोकैलिक्स सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बट किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स, और कुछ अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है. अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड है, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर. ठीक है, और अगर ये बहुत टाइटली बाउंड है, तो ये क्या बना लेती है, कैप्सूल बना लेती है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल. समझ में आ रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, और बहुत टाइटली बाउंड है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे. ठीक है, अंदर बात करते हैं क्या प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट है, प्रिमिटिव है, तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते. तो यहाँ पे न्यूक्लियस बस ऐसे ही, सॉरी, डीएनए जो है, क्रोमोसोम मटेरियल, वो ऐसे कंडेंस होके रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. ओके, साइड में एक मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन भी बनता है, दैट इज कॉल्ड मीजोसोम. ओके, ये डिटेल हम नहीं देख रहे हैं, इसके अलावा हम दूसरी स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं. सेकंड बात क्या करते हैं कि कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. ये स्ट्रक्चर समझ में आया, एक आउटर कवरिंग रहती है, न्यूक्लियोइड रहता है, बहुत सारी और स्ट्रक्चर्स भी, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये मीजोसोम है, ये भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की. देखो, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ये कैसे करता है, बाइनरी फिजन. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, इसमें ही क्या हुआ, कंस्ट्रिक्शन अराइज हुआ. ओके, और बाद में यही दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो गया, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन. इसके अलावा बडिंग से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर ये बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन मिले इसको, ठीक है, इसको कैसी मिले, अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये क्या करता है, ये कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है. क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट होकर एक इंडिविजुअल वापस से बैक्टीरियल सेल बना लेते हैं. ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, जस्ट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन मेथड दैट इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्या होता है इस कॉन्जुगेशन में, ये देखो दो बैक्टीरियल सेल है, दीज आर द टू बैक्टीरियल सेल. ओके, ये बैक्टीरियल सेल, इनके अंदर एक फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एफ फैक्टर, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू पिलाई. एक पिलाई बना लेते हैं, विच इज कॉल्ड सेक्स पिलाई या फिर एफ पिलाई. ओके, एफ पिलाई. इस पिलाई की हेल्प से ही यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बैक्टीरियल सेल में, और इस तरह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, इसके अलावा क्या करते हैं, ट्रांसडक्शन के थ्रू भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक वायरस है, वायरस आया, उसने इस सेल को इन्फेक्ट किया, इसका थोड़ा सा डीएनए अपने साथ लेके गया, फिर वो वायरस जब दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो इसके डीएनए को भी उसके अंदर डाल देगा. इस तरह से उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. और क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी करता है. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, क्या करेगा वो, बाहर से कोई भी फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट हुआ तो उसकी वजह से अपने जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, नया मटेरियल भी इसके साथ ऐड हो गया. तो दैट इज़ हाउ आल्सो इट डू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है, एनी डाउट इन दिस वन. चले आगे.
ओके ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कुछ और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने बात करी कि ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। इसके अलावा अगर हेटरोट्रॉफ्स की बात करें तो डिकम्पोजर्स की तरह भी एक्ट करते हैं और इसी के साथ पैरासिटिक एक्ट भी करते हैं, दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स होंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डिजीज भी ये कॉज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डिजीज कॉज करेंगे। तो क्या क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं, जनरली कॉमनली क्या डिजीज कॉज करते हैं, लाइक कोलेरा, कोलेरा, ठीक है, टाइफॉइड, ओके, टिटनस, ओके, अगर प्लांट की बात करें तो लाइक सिट्रस कैंकर, ओके, इसके अलावा और भी एंथ्रेक्स, बहुत तरह तरह की ये डिजीज कॉज करते हैं बिकॉज ये पैथोजेनिक होते हैं, ओके, पैथोजेनिक यानी पैरासिटिक नेचर होते हैं। नाउ एक और पॉइंट आ जाता है क्या, कि बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन द शेप्स दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फोर क्लासेस, चार क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला क्लास जिसको हम बोलते हैं कोकाय, मतलब क्या, ऐसे बैक्टीरिया जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, मतलब ऐसा राउंड है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड बैसिलस, और बैसिलाय कैसी होती है, रॉड शेप होती है, लाइक दिस रॉड शेप, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ओके। तीसरी कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड विब्रियो और विब्रियम, ओके, मतलब क्या, कॉमा शेप होते हैं, कॉमा शेप लाइक दिस, ओके, लाइक दिस कॉमा शेप स्ट्रक्चर होती है। एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, ठीक है, यानी कि स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है, कैसे, लाइक दिस, और उसके पास अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो ये मोटिलिटी भी शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फोर शेप होती है, फोर स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, कुछ ना कुछ और ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायसिस में रहते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट बैक्टीरिया। चलो अब लिखते हैं, लेते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। नाउ साइनोबैक्टीरिया ये भी क्या है, बैक्टीरिया की एक और कैटेगरी है जिसमें एक थोड़ी सी स्पेशलिटी मिलती है। क्या स्पेशलिटी, जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद अपना फूड जनरेट कर सकते हैं। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए या फिर आप बोल सकते हो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के साथ इनके पास जेंथोफिल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जेंथोफिल, दे आर ऑल्सो हैविंग कैरोटीन। इसके अलावा और भी स्पेशल कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक फाइको इरिथ्रिन, ठीक है, इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, साइनिन, ओके। तो इसकी वजह से दे आर एबल टू डू दी फोटोसिंथेसिस, दे आर एबल टू डू दी फोटोसिंथेसिस। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल दे देती हूँ, दैट इज नॉनस्टॉक एनाबीना, ओके, नॉनस्टॉक एनाबीना, इनके पास क्या होती है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड हेटरोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, या एक और नाम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बिकॉज दे आर एबल टू डू दी फोटोसिंथेसिस। नाउ नॉनस्टॉक एनाबीना के पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, जो क्या कर सकता है, दे आर एबल टू डू दी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ बता रही हूँ। तो देखो, अगर यहाँ पे एक नॉनस्टॉक की स्ट्रक्चर बनाए तो दिस इज दी नॉनस्टॉक स्ट्रक्चर, ओके, सपोज ये नॉनस्टॉक का मैंने स्ट्रक्चर कैसा है, ये कॉलोनीज के फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है, कॉलोनीज की फॉर्म में मिलते हैं। इस नॉनस्टॉक स्ट्रक्चर के बाहर भी एक और लेयर होती है, एक मिनट, या सो देखो ये इस तरह का मैंने एक लेयर बताया है नॉनस्टॉक के बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूसिलेज, म्यूसिलेज शीथ, ओके। क्या रोल है, देखो हर चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए। क्या रोल होता है, बिकॉज ये जो साइनोबैक्टीरिया मोस्टली दे आर एक्वेटिक, पानी में मिलते हैं,
एक्वेटिक। अब पानी में वेटिंग कंडीशन होगी, पानी होगा तो रोटिंग भी हो सकती है, जिसके लिए क्या होती है, म्यूचुअलिस शीद होती है जो उसके रोटिंग एक्शन से उसको गलने से बचाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ही मैंने आपको बताया कि एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है। सपोज ये वाला सेल है, ये इसको क्या बोलते हैं, हेटरोसिस्ट। इस हेटरोसिस्ट की खासियत क्या है कि कैसी कंडीशन प्रोवाइड करता है, एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें चाहिए। ओके, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया, दैट इज हेटरोसिस्ट। ठीक है, मोनोस्टॉक एनाबिना के पास प्रेजेंट होती है, और साइनोबैक्टीरिया एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हमने नोस्टॉक एनाबिना भी पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। एक और एग्जाम्पल भी आ जाता है, दैट इज स्पायरुलिना। स्पायरुलिना ठीक है, ये भी साइनोबैक्टीरिया की ही एक कैटेगरी है जो क्या करती है, प्रोटीन जनरेट करती है। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स होता है, इसलिए जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, ठीक है, स्पेस में जो जाते हैं वो इसके ही कैप्सूल लेके जाते हैं, सो दैट उनका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, उनकी बॉडी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया। ओके, नाउ विल टेक द लास्ट कैटेगरी, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ओके, सुना है नाम माइकोप्लाज्मा का, बैक्टीरिया की ही एक कैटेगरीज होती है। इसकी खासियत क्या होती है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ओके, हमने बोला कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, बट सेल वॉल इसमें होती है जो नॉन सेलुलोसिक होती है। बट माइकोप्लाज्मा की खासियत क्या है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, सो सेल वॉल इज एब्सेंट, एंड फिर भी ये क्या करती है, सर्वाइव करती है या लाइव रहती है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट भी रहती है। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, तो दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज, कितना होता है, दैट इज़ अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर और माइक्रोन, यू कैन से इतना स्मॉल साइज होता है। और जनरली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में भी दे आर एबल टू सर्वाइव। समझ में आ रही है बात, क्या दे आर एबल टू सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन। तो मैंने कोशिश की है मोनेरा की हर कैटेगरीज को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ने की, थोड़ा और अच्छे से समझने की। आई होप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मोनेरा समझ में आया होगा और थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली होगी। ठीक है, टिल नाउ बस अभी इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटिस्टा के बारे में उसको भी थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।